Hello, good morning guys. Can you hear me loud and clear? Good morning, Mohita. Okay, so let us start today's class, guys. I welcome each and every one of you to An Academy, India's largest online learning platform. Welcome guys, let us start today's class. Welcome to this series, Let's Crack Defense Exam. My name is Anshum Verma. This is my introduction, guys. I come from a defense background. These are my educational qualifications. Plus, I have a teaching experience of almost 10 years and I've been qualified various defense exams. So guys, every day I come live on this channel, Let's Crack Defense Exam, at 11 a.m. where we solve good number of questions every day. So my playlist name is 1000 Steps to Your Uniform. You can watch this playlist for each and every queries regarding every subject in journal studies. We have talked about polity, geography, history, economics, current affairs. Ye sare subjects ke aapko questions with explanation is series par mil jayenge. Is pure week hum current affair ke question practice karne wale hain guys, but usse pehle main aapko Unacademy ke thode se benefits bata dun. गाइस, अनअकैडमी ऐप आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज को प्रेजेंट करती है, यानी आपको स्टेज वन से लेकर आपके फाइनल स्टेज तक, दैट इज क्लियरिंग योर एसएसबी, यहां पर मदद मिलेगी. यहां पर बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड द क्लासेस आर रिकॉर्डेड. सो जब भी अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है, उस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हो. साथ में आपको बहुत सारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस सॉल्व करने का मौका मिलता है अनअकैडमी पर. और इसके साथ साथ टेस्ट एंड क्विजेस के साथ साथ आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा उन वीडियोस का. एग्जाम से पहले अगर कोई डाउट है, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी. अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, लगभग एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा. एक साल में गाइज आप 10 से 12 डिफेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. सो गाइज, इन 12 मंथ्स में आप क्या करेंगे, आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इन सारे एग्जाम के सारी स्टेजेस की तैयारी कर सकते हैं. इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 8800 रुपीस, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगा दोगे, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, सिमिलरली 24 मंथ्स का पैक आपका 11500 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा. इसको सिर्फ 3500 रुपए आपको और देना है और आपको 24 मंथ्स का पैक मिल जाएगा. इसमें भी आपको ऑफ मिल जाएगा जब आप मेरा कोड लगाते हो. जो भी लर्नर मेरे कोड के साथ जुड़ेंगे, उनको गाइस मैं पर्सनली हेल्प करूंगा विद everything, with some exclusive doubt sessions plus personal guidance, what to study. I will also allot you some weekly targets. So welcome Krishna, Mohita, Deepak, Jigyasa, Shashank, Shagol, Kostov. Kostov, bahut dino baad dekha maine aapko. Guys, fatafat video ko like kar do sare ke sare. Okay, let us start guys. These are the courses that I offer on an academy. बहुत जल्द मेरा economics का course launch हो रहा है. Economics का batch मैं आप सबके लिए launch करने वाला हूँ. साथ में polity, geography, environment, current affairs, history, ये सारे courses मैं आपको कराऊंगा. और आपको exclusive SSB के sessions भी यहाँ पर मिलने वाले हैं. Welcome Raj. Okay, so guys, this is my telegram channel, official telegram channel. इस telegram channel को आप join कर सकते हो. इस telegram channel का link दिया है description box में. यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, मेरे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे. साथ साथ कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे वहां पर इंटरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, यू कैन आल्सो नोट डाउन माय नंबर. इट इज़ 8599554395. इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एनी डिटेल्स, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे लेना है. चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग पंकज, एंड गुड मॉर्निंग रौनक. जय हिंद दोस्तों. अच्छा गाइस, मैं आज भी आपके लिए एक SRT की क्लास रखूंगा 5 बजे. सो स्टे ट्यून्ड, 5 बजे हम फिर से लाइव SRT की प्रैक्टिस करेंगे फॉर दी अपकमिंग SSB. सो ऑल दोज पीपल हु हैव दी अपकमिंग SSB, यू कैन जॉइन अस इन दिस क्लास. सो लेट अस स्टार्ट गाइस टुडेज क्लास. टुडेज क्लास टॉपिक इज साइंस एंड टेक.
आज हम साइंस एंड टेक के अराउंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस पोलियो मेलिटिस. पोलियो मेलिटिस हाल ही में एक डिजीज था जो कि न्यूज में आया था. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट. इस तरह के क्वेश्चन गाइस ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? CDS में मिलेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन है. और इस साल हेल्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है. अदर देन कोरोना बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा. सो लेट अस स्टार्ट. रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली एंड देन आंसर. What do you think is the answer to question number one, guys? Good morning, Bhushan. फटाफट answer करो, guys. Okay. So, answer to question number one is, guys, D. 1, 2, 4. So, basically, दिस पोलियो इज अ हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज. ये पोलियो मेलिटाइटिस इज अ जो इसको पोलियो का पूरा नाम है ये. इट इज अ वायरल डिजीज विच जनरली अफेक्ट्स द यंग चिल्ड्रन. बेसिकली अंडर 5 चिल्ड्रन को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है. आपने देखा होगा इस डिजीज के अंदर लेग्स बहुत ज्यादा ही यू नो एसिमेट्रिक हो जाते हैं. सो दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन थ्रू फीकल ओरल रूट और less frequently by the common vehicle, that is contaminated water and food. So it can, you know, spread through contaminated water and food as well. It multiplies in the intestine. Now where it can invade the nervous system and cause the paralysis. So this is the result of this polio. Now initial symptoms of polio include fever, fatigue, headache, vomiting, stiffness, neck pain in the limbs. Now, in the small proportion of cases, the disease caused paralysis, which often permanent. Now, guys, technically, there is no cure for polio. It can only be prevented by immunization. Yaad hai, do boond jindagi ki. Aap sabne li thi. Immunization. So, it can be prevented through this. Next. A very important, guys, very important current affair. Recently, India ka new relay satellite series. What is the name of that satellite series? What is the name of the new satellite series, guys? Okay. We have already covered this in our current affair. Basically, a satellite series kya hoti hai? Abhi main aapko samjhata hoon. Answer to this question is B, guys. It is Indian Data Relay Satellite System. Many of you are absolutely correct. Now, what is this satellite series? Now, guys, imagine this is the Earth. Now, Earth's curvature is so big that one satellite which is over here, that is A satellite, and one satellite which is over here, that is B satellite, you cannot develop a connection between A and B. So A and B ko complete karne ke liye to establish a connection, what should be done? So aisa ek data relay system India launch kar raha hai, theek hai? So, the chairman of ISRO has launched this Indian Data Relay System. Now, what is the work of this data relay system, guys? It will continuously track Indian satellite, exchange information with them. The first of the two proposed satellites will be launched at the end of 2020. Now, before the unmanned space flight to be conducted preceding the Gaganyaan mission.
So this particularly mission will help us in the Gaganyaan mission. Okay, so this is a very important launch which will be happening at the end of this year. So keep a track on this. Okay, next. Which of the following vaccines are preventable disease? इनमें से कौन सी vaccines वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी इन सब में से किस चीज को आप वैक्सीन के जरिए क्योर कर सकते हो? इस तरह के क्वेश्चन गाइज आपको साइंस में मिल जाते हैं. ऑफन सच क्वेश्चन कम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, सो गाइस, डी पुष्कर, कॉमन कोल्ड, क्या जुखाम वैक्सीन से क्योर हो सकता है? कहां से क्योर हो जाएगा गाइस? कब सुना आपने कॉमन कोल्ड के लिए वैक्सीन बन गई है? सो जहां जहां फाइव है आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट बड़े आराम से कर सकते हो. ठीक है, जहां जहां फाइव है उसको आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड इज बी, 1, 2 and 4. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे जहां पर आपको जिस चीजों की वैक्सीन अभी अवेलेबल है. सो WHO के अकॉर्डिंग 27 डिजीज की अभी वैक्सीन अवेलेबल है. उसके अंदर आपका कॉलरा, डेंगू, डिप्थीरिया, हेमिफिलियस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए बी एन ई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इन्फ्लुएंजा, जैपनीज एनसेफेलाइटिस, मलेरिया, मीजल्स एंड मेनिनजोकल डिजीजेस. ठीक है, सो आंसर टू दिस इज बी. सो दीज आर द वैक्सीन्स विच आर राइट नाउ अवेलेबल. ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी. Recently launched at the Road Safety Stakeholders Meet. It is developed by which institution? Recently launched road safety stakeholder meets were developed by which institution? Now guys, अपने आप में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस. इसके नोट्स जरूर एक बार आप बना लीजिएगा. ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं. वैसे इसका आंसर है ए. एक्चुअली ये जो इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डेटाबेस है ये क्या करेगा, हमारे देश में रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा. ठीक है, रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा ताकि हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकें. अच्छा, इससे पहले गाइस मैं अगर आपको ये इसके बारे में और बताऊं, आप मुझे एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं. देर इज वन इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन रोड सेफ्टी. आप मुझे बता सकते हो उस इंटरनेशनल कन्वेंशन का नाम क्या है? व्हाट इज द कन्वेंशन व्हिच वाज साइंड टू एंश्योर रोड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड? एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में क्या होगा. इट इज अ सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक सेंट्रल लेवल पर पूरे इंडिया का एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें सारे रोड इंक्लूड होंगे और ऐसे पॉइंट्स को स्पेसिफिकली फोकस करा जाएगा जहां पर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, जहां पर रोड एक्सीडेंट कैन क्रिएट सॉल्यूशन टू रिड्यूस देम, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वहां नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो
इस डेटाबेस को रिकॉर्ड करके आप वहां पर सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हो। इसको डेवलप करा है आपके आईआईटी मद्रास ने। नाउ दिस इनिशिएटिव वाज बिग बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय नन अदर देन द वर्ल्ड बैंक इन इटसेल्फ एंड ऑल्सो इंडियन एजेंसी दैट इज एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नो इट इज नॉट दीपक, वियना कन्वेंशन नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म हर्ड इम्यूनिटी? इनमें से हर्ड इम्यूनिटी कौन डिस्क्राइब करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म हर्ड इम्यूनिटी? ये हर्ड इम्यूनिटी गाइस अभी दो दिन पहले न्यूज में थी जब हर्षवर्धन जी ने पार्लियामेंट को एड्रेस करा था इस हर्ड इम्यूनिटी के इशू पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इट? ओके, सो गाइस हर्ड इम्यूनिटी का आंसर है सी। A high percentage of people give in a given community is immune to a disease. जब बहुत सारे लोग किसी particular disease जो कि अभी एक pandemic चल रहा है that is coronavirus, इसके against एक immunity को develop कर ले। ठीक है, इसके against जैसे ही आप immunity develop कर लोगे इससे होगा क्या, आप बाकी सबके साथ एक common immunity को share करोगे। ठीक है, तो इस disease का impact almost कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो कोरोना वायरस की स्टेजेस जहां जहां क्रॉस हो रही है वहां वहां ऐसे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस आर क्वाइट हाई, बट अभी भी ये रिस्क, यू नो, इट इज प्रोन टू रिस्क राइट नाउ। सो दिस हैज बीन अ फ्लंग अराउंड एज वन सोल्यूशन फॉर द डिवास्टेटिंग वायरस रेवेजिंग ऑल द कंट्रीज ऑल ओवर द ग्लोब। द टर्म एक्सप्लेन्स द सिचुएशन इन विच High percentage of people in a given community is immune to a disease either through vaccinations because those people have been exposed to the virus and their immune system have built antibodies to protect them from it. Now guys, कई cases में ऐसे भी cases हमारे सामने आए हैं जब coronavirus से already बंदा infected है और वो आराम से घूम रहा है, बाद में कभी फीवर वीवर में उसको जब वो टेस्ट करा तो उसके अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मिल गई। दैट मींस वो कभी इन्फेक्ट हुआ था और उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज डेवलप भी कर ली। ये सब मैं इंडिया के एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। अब जब यही एंटीबॉडीज बहुत लार्ज स्केल पर हो जाए तो उसको इनडायरेक्टली हर्ड इम्यूनिटी कहा दिया जाता है। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल सेंटर फॉर Polar and Ocean Research and Goa University has successfully synthesized gold nanoparticles. What are the applications of these gold nanoparticles? क्या लगता है आपको? इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी देने वाला हूं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ऐसी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होती है ना उसके रिगार्डिंग, ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना जो आपको लगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में इसका इस्तेमाल होगा, उसके लिए एक ट्रिक देता हूं मैं आपको। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स गाइस अपने आप में, नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इस पर अभी भी काम चल रहा है, बट दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, अभी हम इस पर भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आए आप उसकी सारी स्टेटमेंट्स को सही कर देना। ठीक है, They have the greater solar radiation absorbability, detection and diagnosis of diseases, target drug delivery. इसके अंदर और भी कोई points होते हैं ना, आप उसको आंख बंद करके all पर click कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा chances होते हैं कि futuristic technology के जो uses होंगे वो बहुत elaborative होंगे. Is it clear? So sixth का answer है B. Stockholm declaration नहीं है, it is Brasilia declaration. अभी तक जिसको नहीं मिला,
रोड सेफ्टी को कवर करने के लिए ब्रासिलिया डिक्लेरेशन है जो ब्राज़ील में साइन हुई थी, ठीक है। सो एक ये अगेन आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैं इस पर आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैंने कल का भी पीडीएफ नहीं शेयर करा था, ये नीचे दिया है मेरा टेलीग्राम चैनल, ये सारी डिटेल्स आप इन डेप्थ वहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम अभी स्ट्रेट अवे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो डैनियल के सोलर टेलीस्कोप, दिस टेलीस्कोप DKIST इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर टेलीस्कोप, हैज रिसेंटली कैप्चर्ड द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज ऑफ विच ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी, कॉमन सेंस। इनमें से कौन से सेलेस्टियल बॉडी की इमेज कैप्चर करी है इस टेलीस्कोप ने? आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इनोय, डैनियल के इनोय सोलर टेलीस्कोप। अच्छा, नाउ गाइस, इफ इट इज सेइंग that it is a solar telescope, that means it will be helping to locate the sun. So iska answer sun hai. Acha, agar aapko yaad ho, last year ek black hole ki sabse pehli image aayi thi, us telescope ka main aapko naam bata deta hu, us telescope ka naam tha Event Horizon. Is it clear? Name of the last telescope which has captured the black hole, Messier 87 नाम का ब्लैक होल था जिसकी फोटो आई थी, ठीक है, न्यूज में बहुत पॉपुलर हुई थी इन 2019. दिस इज द ओनली पिक ऑफ अ ब्लैक होल, इज इट क्लियर? सो इट वॉज कैप्चर्ड बाई इवेंट होराइजन, नॉट विद दिस टेलीस्कोप. सो दिस टेलीस्कोप हैड कैप्चर्ड अ वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ अ स्टार टिल डेथ. नाउ दिस टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड द न्यूली रिलीज इमेज of the sun using its visible broadband imager, which was only operational instrument in the telescope during that time. This is extremely high resolution images of the solar surface and the low atmosphere. The telescope is scheduled to be made fully operational by July 2020, now with the remaining instrument being turned on. So isko launch kara hua hai, and yes, it will be fully operational by this July. ये जुलाई में हो चुका होगा ऑपरेशनल, बट आई विल कवर इन द मंथ ऑफ जुलाई इस करंट अफेयर, डोंट वरी. ओके, नेक्स्ट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स? इट इज ऑफ नासा निलेश. गुड मॉर्निंग निर्मा, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी अभी तक नहीं करा है, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक दिया है, इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. पीडीएफ के साथ कोई भी लाइव क्विज आपको चाहिए हो, या मेरे सेशन जब भी मैं लाइव आऊँगा, मेरे लिंक्स मैं सब कुछ अपलोड कर देता हूँ उस टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस सी, it is saying it is not radioactive. No guys, rare earth elements are definitely radioactive. They are used in clean energy, healthcare, environmental mitigation and natural defense. Ye sab aap use kar sakte ho futuristic technology. Again, China's rare earth deposits account for 80% of identified global reserves. Is it clear? So answer yahan par C hai. Iske agar kuch main aapko example dun, uske andar ye sab elements aate hain. सीरियम, डाइस्फोरसियम, एरबियम, यूरोपियम, गैडोलियम, होलमियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, लैंथियम, ठीक है, शायद ये आपका ब्लैक पैंथर वाला टाइटेनियम, ये सब वगैरह भी मिलता होगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट. नेक्स्ट, अ नेशनल लेवल रूरल टेक्निकल फेस्टिवल कॉल्ड एज अंत प्रज्ञाना 2020. अंत प्रज्ञाना 2020 was organized by which Indian state?
It is organized by which Indian state? Antapragyana. It is launched by guys none other than Telangana. ठीक है, इट इज लॉन्च्ड बाय नन अदर देन तेलंगाना. ओके, सो व्हाट इज दिस अंतःप्रज्ञाना? दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना एट राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. नाउ दिस इज कंट्रीज बिगेस्ट टेक्निकल फेस्टिवल. द 3-day टेक्निकल फेस्ट वॉज कंडक्टेड विद द थीम स्पॉट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स. It was hosted more than 200 technical events including campus farming competition, robo racing, development of idle villages, national science fair, etc. etc. So guys, कई बार ऐसे futuristic जो festivals होते हैं उस पर कई बार UPSC question पूछ लेता है. So answer is C. Next. Now this I have covered in my current affairs series. Which country has launched Artificial Intelligence Police Officer Ella? Which country has unveiled the first Artificial Intelligence Officer Police Officer Ella? इट इज अ ह्यूमनॉइड, बेसिकली ह्यूमनॉइड, एक रोबोटिक है, ये रोबोटिक पुलिस ऑफिसर है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन ऐसे क्वेश्चन गाइस एफकैट में आपको मिलेंगे, वन लाइनर्स, करंट अफेयर्स. आंसर टू दिस इज सी, न्यूजीलैंड. ठीक है, दिस इज एला. ये लड़की नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमनॉइड है. सो The New Zealand Police has announced this officer. This stands for Electronic Lifelike Assistant. Now this will be configured at a digital kiosk to resolve the queries of the public and reduce the queues in the station. Police station में मतलब काम करने में आप इसमें chat box की तरह chat bot की तरह आप इससे बात कर सकते हो. This will be made available in the headquarters building initially. Now will be expanded to the other parts of the country soon. The virtual assistance has been designed with a mix of 26 different people. यानी 26 लोगों का रंग रूप शक्ल से मिक्स करके ऐसी शक्ल बनाई गई है. I have already covered this in earlier videos. Okay. Next, biocides. ये न्यूज में चल रहे थे अभी. What are biocides? Biocides which are recently seen in news are what? Which of the following is correct? ओके, सो गाइस बेसिकली ये बायोसाइड्स आर यू नो समवॉट रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. नाउ गाइस, जब भी आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, इफ द डॉक्टर इज वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी गुड प्रोफाउंडेड डॉक्टर, He will never recommend you to take any antibiotic. आपको antibiotic कोई भी doctor suggest नहीं करेगा. Because why guys? ये antibiotics क्या करता है? Bacteria को आदत बना देता है. यानी bacteria after getting hit by this antibiotic with some time will get immune to the antibiotic. So आज के time में कुछ नए bacteria evolve हो चुके हैं जिसे बोला जाता है superbug.
ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया इवॉल्व हो चुके हैं, लगभग 12-13 ऐसे बैक्टीरिया वर्ल्ड में हैं जिनको किसी भी एंटीबायोटिक से मारा नहीं जा सकता। सो इसी के काउंटर में एक बायोसाइड्स नाम का चीज है, इट यूज टू डिस्ट्रॉय और कंट्रोल एनी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बाय केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स। द एग्जाम्पल इंक्लूड्स डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स विद कॉमन इंग्रेडिएंट्स लाइक अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सर्फेक्टेंट्स, ट्राइकोलोसेंस, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरो हेक्साडाइन, क्वार्टरनरी अमोनियो कंपाउंड्स, अमोनियम कंपाउंड्स एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ बायोसाइड्स कैन बी द पोटेंशियल थ्रेट दैट कुड ड्राइव द एएमआर फर्दर सिंस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सब लीथल लेवल्स ऑफ सच एजेंट्स बोथ इन हेल्थ केयर एंड नॉन हेल्थ केयर सेटिंग्स कैन एड इन द सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। नाउ गाइस, अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज टू मच यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर। अगर आप हैंड सैनिटाइजर का इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ोगे तो हैंड सैनिटाइजर में भी आपको यही सब मिलेगा, हाइड्रोक्सिन, हाइड्रोजन अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब लिखा होता है वहां। अब होता क्या है गाइस, इन ऑन आर हैंड्स यू हैव सम बैड बैक्टीरियाज दैट कैन कॉज ill effects to our body. On the similar ground, we have some good bacteria as well. ये bad और good bacteria का मिश्रण हमारे पूरी body में है, and we have millions and millions of such bacteria. So, too much use of sanitizers will also kill these good bacteria as well. So, कई बार ये भी हमारी body को immune कर देता है और straight away bad bacteria हमारे body में enter कर सकते हैं. So, it can also cause it could contribute to the drug resistance pathogen in the environment. Is it clear? अभी आप ही देख लो, हम हर कोई sanitizer को ले लेके घूम रहा है हर जगह. Okay, next mission is from space. We have already covered these missions. Perseverance rover, Hope mission and Insight mission are in news. These mission are for what? What purpose? FCAT में already ऐसे question आए हुए हैं. करेक्ट गाइज, दीज आर सम मार्स मिशन. अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, प्रेसिवरेंस, होप एंड इनसाइट किस कंट्रीज ने लॉन्च करा है, ये किस कंट्रीज ने लॉन्च करा है, आप क्विकली इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप इसको बाद में, होमवर्क भी हो सकता है ये आपका, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, रिसर्च कीजिएगा वो तीनों मिशन कौन सी कंट्रीज के हैं, सारे अलग अलग कंट्रीज के हैं. ओके, युधावू वॉरियर, इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कर्विंग द ड्रग मैनेंस, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट. युधावू वॉरियर मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज केरला. मैं आपको उसके बारे में बता दूं, सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय केरला फॉर कर्विंग द ड्रग बैलेंस. सो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ कोची हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस एप्लीकेशन थ्रू विच
The public can inform the police about the drug abuse or distribution of drug if they identify anyone. So the identity of the informer would be kept secret according to the police, and a cyber dome, cyber crime police station will also be inaugurated by the chief minister. So this Yodha Who is a basically a drug policing app. Aap log bhi, agar if you belong to Kerala, you can report such things on this app. Next, which country is the first to develop an antibody test to identify novel coronavirus? Which country is the first to develop an antibody test to identify the novel coronavirus? Now, answer to this question is, guys, Singapore. ठीक है, answer to this question is Singapore. So this test, this antibody test has been developed by the country medical school, and it has successfully identified two people who were infected with this virus. Currently, it used a molecular test detects that vital genetic material in oral swab samples, whereas the newly developed test detects the antibodies developed by the immune system when infected with the virus. So this is a unique test which straight away try to detect not the virus but the antibodies which are developed in order to fight with this virus. Is it clear? So Singapore is the correct answer. Next, which of the following statement is correct regarding the coronavirus? Okay, so guys, if we talk about this question, answer to this question is C, 1 and 3. Now, if I talk about in depth, all coronavirus are, they are at the scale of 120 to 160 nanometers. Enveloped RNA viruses which have single-stranded genome. सो गाइज, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नोवल कोरोना वायरस की जो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले इनका साइज है 120 से 160 नैनोमीटर. दूसरा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड यानी इसके अंदर एक ही डंडी होती है इसके जीनोम में. ठीक है, आपने वो सब स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे ना जो आपने आपके बायो में पढ़े होंगे, डीएनए और आरएनए के फोटोज देखी होंगी. सो सिंगल स्ट्रैंड मतलब सिंगल डंडी. So high rates of genetic mutations are shown by the coronavirus. Yani mutations ka matlab, jo coronavirus discover kara hai aapne China mein, wo bilkul alag hoga jo coronavirus develop hua hai USA mein. Kyunki unke andar genetic mutation bahut zyada hai. But question kya keh raha tha? Very slow rate of genetic mutation. So question 2, option 2 galat ho jata hai. So most of this infect animals, birds, human infection is also caused by those which can adapt to the human conditions. So wohi coronavirus impact karta hai humans ko jo ki human conditions par impact kar jaye. Theek hai, so ye kuch properties thi jo abhi present coronavirus chal raha hai uski. Next, consider the following statement regarding the space internet. Space internet, guys.
Which of the following is correct? Okay, answer to question number 16th is guys A. 16th question का A answer है. मैं आपको बताता हूँ कि ये space internet है क्या. The SpaceX, which is world's leading private company in space technology, इन्होंने 60 ऐसी satellites को low earth orbit में launch करा है. इस project का नाम क्या है? Starlink Network. Starlink Network project. Now this project is one of the several ongoing efforts to start beaming data signals from the space. ये 60 की 60 satellites क्या करेंगी? Data signals को भेजेंगी. Now the aim is to provide a low cost reliable space based internet service to the world. ये अपने आप में बहुत ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है, low earth orbit पर placed होगा. अब इसमें आपको satellites की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी. So rather than on geostationary orbit, it will be on the low earth orbit. Low earth orbit किसे कहते हैं हम? लगभग 300 से 800 किलोमीटर सरफेस से अगर हम बात करें उसको हम low earth orbit कहते हैं. और geostationary orbit होता है 35,786 किलोमीटर या approximately 36,000 किलोमीटर पर आप कह सकते हो. So satellite in this orbit move at a speed of 1000 किलोमीटर पर आर and complete one revolution of the earth in the same time that, to that of the axis. So, ये geostationary को basically explain कर रहा है. Nothing to do with this because हमारा जो ये Starlink network है, low earth orbit में काम करता है. ठीक है? What are the advantages? Signals from the geostationary orbit can cover a very large part of the earth. But, signal from one satellite can cover roughly one third of the planet. So 3 to 4 satellites would be enough to cover the entire earth. Also because they appear to be stationary, it is easier to link it to them. So these are the advantages of the geostationary satellite. But cost effectiveness of this Starlink project is much more than in comparison to this geostationary satellite. Okay, next question. Which association recently collaborated with Niti Aayog's Atal Innovation Mission to launch artificial intelligence based module for Indian school students? Which association has recently collaborated with Niti Aayog's Atal Innovation Mission to launch artificial intelligence based model in Indian school? Answer to this is NASSCOM. Absolutely correct. So this NASSCOM had recently collaborated with the AIM mission of Niti Aayog to launch artificial intelligence based model in Indian students. This module will be implemented nearly 5,000 Atal Tinkering Labs and is expected to reach as many as 2.5 million students. This module with activities and videos on AI concept is to be introduced from 27 February. मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये Atal Tinkering Labs के बारे में जरूर पढ़ लेना. एक बहुत ही इनोवेटिव सा कंसेप्ट है, नीति आयोग ने लॉन्च करा है इस Atal Tinkering Lab के थ्रू. ठीक है, सो डू लॉन्च दिस. और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दो. ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेत्रा ऑफ इसरो समटाइम सीन इन न्यूज इज रिगार्डिंग व्हाट? प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है दोस्तों? ओके,
So Project Netra is an early warning system in space to detect the debris. Now guys, ये debris का मतलब होता है कूड़ा. अब मैं आपको कायदे से बताऊं, जितनी भी सैटेलाइट्स हम अर्थ से लॉन्च करते हैं ना गाइस, उन सैटेलाइट्स की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है. सम मे लास्ट फॉर 5 years, सम इवन लेस देन दैट, एंड एट मैक्स दे कैन एक्सटेंड अप टू 15 to 20 years. इतना ही ये मैक्सिमम चलते हैं जो बहुत बड़ी सैटेलाइट्स होती हैं. उसके बाद वंस दे आर डन, जब इनका काम खत्म हो जाता है, तब इनको एक और अबव ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है, जिसको जंक ऑर्बिट कह देते हैं हम. नाउ गाइस, टेक्निकली आप सोचो, हम इतनी सारी सैटेलाइट्स हर कंट्री लॉन्च कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे एवरी कंट्री इज लॉन्चिंग न्यू सैटेलाइट्स. अब जिस कंट्री के पास अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, वो भी किसी ना किसी की मदद से लॉन्चेस कर रहे हैं. अब इतने सारे लॉन्चेस के जरिए होगा क्या, देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ जंक विच विल बी क्रिएटेड. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गाइस, कि इस जो भी जंक हमने ऊपर कलेक्ट कर लिया है, स्पेस डेब्री, इसको स्पेस का कूड़ा भी बोला जाता है, इसको अर्थ पर वापस कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. तो इसरो की भी एक पहल है, हमारे पहल का नाम क्या है, प्रोजेक्ट नेत्रा. इट इज़ एन अर्ली वार्निंग स्पेस सिस्टम टू डिटेक्ट द डेब्री एंड अदर हजार्ड्स टू द इंडियन सैटेलाइट. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस इज 400 crores. And it will give India its own capacity in space situational awareness like the other space powers. Now, it also goes as far as to serve as the unstated warning against the missile space attack for the country. Now, this expert says that the Netra or the Network for Space Object Tracking Analysis, the ISRO plans to put up many observational facilities to connect radars, telescope, data processing unit and the control centers. Now guys, along with studying the space junk, ye netra system aur kya karta hai, kisi bhi aise future threat ko hamari Indian satellite mein prevent karta hai. Jaise agar aapko yaad ho, humne thode time pehle ek mission shakti launch kara tha. Mission shakti mein इंडिया ने एक मिसाइल से सैटेलाइट को फोड़ दिया था. अब धीरे धीरे गाइस, आप देखोगे बाकी सारी कंट्रीज भी इन स्पेस वॉर्स में इंडल्ज कर रही है. यूएसए ने तो अपनी अलग से एक फोर्स बना दी, यूएसए की अपनी खुद की एक स्पेस फोर्स है, ठीक है. सो ऐसे किसी इंडियन सैटेलाइट को फ्यूचर में कोई अटैक ना हो सके, उससे बचने के लिए ये हमने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट नेत्रा. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, व्हाट इज एयर लेंस माइनस कोरोना विच वॉज सीन इन न्यूज. एयर लेंस माइनस कोरोना, एयर लेंस माइनस कोरोना. ओके, आपने बहुत सारों ने इसका सुना नहीं होगा. वैसे ये जून जुलाई के करंट अफेयर में आएगा, मैं इसको कवर करूंगा गाइस, डोंट वरी. जून जुलाई का करंट अफेयर मैं अक्टूबर में ही शुरू कर रहा हूं. So basically what it is a bee, disinfectant robot, ठीक है. This is a disinfected robot which has been developed by IIT and a Stanford alumni which has developed this technology. It has a certification from National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Okay, so this is a UV based method and technology works on the basis of वाटर इलेक्ट्रो एक्टिवेशन टेक्निक, ठीक है. सो बेसिकली इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रोवर विच इज चार्ज आयनाइज वाटर ड्रॉपलेट्स दैट विल किल द वायरस बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स प्रोटीन. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द डे गाइस. आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. अब मैं आपको कल मिलूंगा 11 बजे, और शाम को भी हमारी 5 बजे SSB के रिगार्डिंग एक क्लास है. SSB से रिलेटेड हमारी एक क्लास है जहाँ पर हम SRT को प्रैक्टिस करेंगे. So, time now for our daily motivation. आज की motivation क्या है guys? It always seems impossible until it is done. ठीक है? It has always seem impossible until it is done. So, keep working hard guys. Impossible will be possible one day. All you need is to work hard and hard every day. So, this is all for the day guys.
अब मैं आपको शाम को SSB के एक सेशन के लिए मिलूंगा 5 बजे, और कल सुबह ये दोबारा से करंट अफेयर का सेशन होगा, आप आ सकते हो 11 बजे, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं SSB का लिंक दे दूंगा और इस सेशन का PDF भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सो टिल देन, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और ये मेरा कोड है, सब्सक्रिप्शन लेते समय आप इस कोड का अप्लाई कर सकते हो। जो भी व्यक्ति इसको जो भी लर्नर इसको अप्लाई करके आएगा, गाइस आई विल हेल्प यू पर्सनली विद सम वीकली टारगेट्स, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू लीव, ये सब कुछ मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। SSB में भी मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, सो टिल देन, जय हिंद जय भारत, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टेक केयर एवरीवन।